गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्कार। दीपक योगी जी, प्रीति कुमारी, आलोक राज, थैंक यू, आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया, दिल से शुक्रिया आप सभी का। आप सभी लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया है, बहुत बढ़िया। तो अभी टोटल हम लोग भी 30 लोग हैं आसपास। तो ये बताओ, जिस आप लोग के जो कॉल्स मुझे आते हैं आप लोग के समस्या का, तो उस समस्या क्या जनरेट हो रही है पहले उसको हम देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि कौन से ट्रेड, कौन से कैंडलस्टिक हमारे लिए बेटर बनेगी ट्रेडिंग के लिए, और कौन से स्टॉक्स हमारे लिए। ट्रेंडिंग का मतलब ये होता है कि ट्रेंड चलते चले जाना है ना, ट्रेंड में चले जाना। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि ये पैटर्न बन रहा है, पता चलता है कि वो पैटर्न कुछ और होता है। तो आप लोग मुझे बताओ कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब तक की जो चीज़ आप लोगों ने सीखा है आप लोग उसको अप्लाई कर रहे हो। और थैंक यू सो मच जिन जिन लोगों ने मुझे कॉल करके अपने ट्रेडिंग के बारे में और अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में मेरे से डिस्कशन किया। आई होप आप लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। बहुत लोग तो दो दो लाख, तीन तीन लाख का, किसी ने 2-10 हज़ार, किसी ने 5 हज़ार, तो आप बहुत अच्छा बना रहे हो। कि बेटा मेहनत करते रहिए, मेहनत करने से ही आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। मेहनत कैसे किया जाता है, आपको लालची नहीं बनना है, छोटे छोटे ट्रेड लेके चलना है, पोर्टफोलियो बनाना है अपना। 10,000, 20,000, 50,000 तक का पोर्टफोलियो बनाइए, उसी पोर्टफोलियो को ट्रैक करना सीखेंगे तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। जो कुछ आपको कोर्स में, अगर आप लोग मेरे से छोटे हैं, करियर बना रहे हैं, तो आप लोग अपने पोर्टफोलियो से वो सब सीख जाएंगे। आप अपने पोर्टफोलियो से वो सब कुछ सीख जाएंगे जो आप 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख आप देके जो कॉलेज में सीखेंगे, जो देके आप किसी इंस्टीट्यूट के पास सीखेंगे। मैं आपको यहाँ गाइड कर रहा हूँ, मैं गाइड कर रहा हूँ, गिरी सब गाइड कर रहे हैं, शैलेश सर गाइड कर रहे हैं, तो जितने लोग मिलकर गाइड कर रहे हैं, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, जिसकी प्राइस बहुत हाई है। तो आप अपने करियर को उड़ान दीजिए, अपने ट्रेडिंग को, अपने लाइफ को उड़ान दीजिए। सब कुछ फ्री मिल रहा है तो उसका यूटिलाइजेशन कीजिए, ठीक है। कहीं भी पे करने की जरूरत नहीं है, आपके सारी प्रॉब्लम यहीं शॉर्ट आउट कर दूंगा मैं, ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, राम राम। 50 से बता चुका हूँ, नहीं मेरा अभी लाइट लगा नहीं, 50 से बता चुका हूँ, 75 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों है। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो मेरा पहला वीडियो वॉच कीजिए, 75 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों चिल्लाता हूँ मैं बार बार, वो पहले ही वीडियो में बता दिया है मैंने, पहले ही वीडियो मैंने बता दिया। मेरा क्लास वहीं से स्टार्ट होता है, टाइम फ्रेम से शुरुआत होता है, ठीक है। फॉर्म फिलअप कर दिया, बहुत बढ़िया। इट्स ITI सेल्फ, क्या ITI आते ही स्टॉक पूछना शुरू कर देते हो, बताओ पता नहीं कहाँ, पता नहीं आप लोग कैसे सोच लेते हो कि आपको स्टॉक्स के बारे में, आप सीखना कम चाहते हो, आप आपके स्टॉक्स में डिस्कशन ज़्यादा चाहते हो, गलत तरीका ये, ठीक है। चलो देखो इसको, हाँ क्या 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 कह लो, हाँ मैं मूवी के अरेज भी सिखा चुका हूँ एक क्वेश्चन पर से, नहीं बिल्कुल नहीं, पहले सेल करके बाइक इक्विटी नहीं कर सकते हैं, पहले सेल करके बाइक करना इक्विटी में नहीं कर सकते। आप इंट्राडे कर सकते हो बट आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे, कैरी फॉरवर्ड नहीं होता उससे। आप लोग लर्निंग पे फोकस करो, लर्निंग आपकी बहुत जरूरी है, लर्निंग बहुत जरूरी है। दूसरों के कंधे पर बंदूक नहीं चलाया जाता, दूसरों के कंधे पर जनाजे जाते हैं, ठीक है। तो इट इज बेटर कि आप खुद ही मास्टर बनने की कोशिश करो। चलो मैं सेशन शुरू कर रहा हूँ, आज थोड़ा सा हम डिले हैं। चलो पेड वर्जन कैसे खरीदें, आपके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड होगा तो कर सकते हैं। देखो क्या होता है कि जैसे ट्रेंड चल रहा है ना, ट्रेंड सपोज का चल रहा है, और कोई भी पैटर्न, कैंडल पैटर्न कहीं भी, कहीं जैसे कोई कैंडल पैटर्न बन गई है, तो पहले ध्यान देना, अगर आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न, जितने भी कैंडल मैंने पढ़ाए हैं आपके, सातवें आठवें कैंडल पर मैंने पढ़ा रखे, जितने भी कैंडलस्टिक मैंने पैटर्न बनाए हैं, अगर वो कैंडल किसी भी रिट्रेसमेंट पर मैच नहीं कर रही है, कोई भी कैंडल जब आइडेंटिफाई कर रहे हो और वो रिट्रेसमेंट पर मैच नहीं कर रही है,
तो वो ट्रेंडिंग कैंडल है, वो ट्रेंडिंग पैटर्न है, वो ट्रेंडिंग कैंडल है जिसको हमें अवॉइड करना है। कैसे इसको अवॉइड करना है? अवॉइड के साथ मतलब अवॉइड नहीं, मतलब उसके साथ हमें चलना है। ट्रेंडिंग का मतलब उसके साथ हमें चलना होता है। कैसे हम इसको चलेंगे, कैसे इसको एक्शन लेंगे? तो अभी आपके पास हम लोग टोटल 80 लोग हैं, 80 लोग में केवल 8 लोग ऐसे 8 लोग अपने अपने स्टॉक दे सकते हो हमें 50, और आप जो भी स्टॉक्स लिखोगे वो स्टॉक्स मैं खुद सेलेक्ट करूंगा। आप जो स्टॉक्स दोगे वो स्टॉक्स मैं खुद सेलेक्ट करूंगा। एक से भी 8 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, 8 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो स्टॉक दे दो, वो स्टॉक्स में आप लोग को दिखाओ, 8 से ज़्यादा स्टॉक नहीं आना चाहिए और मैं ही सिलेक्ट करूंगा उस स्टॉक्स को। चलो बताओ, दो स्टॉक दो। सर किसी भी चार्ट पर टेन लाइन इंटरेस्ट लगाते हैं, सब करते हैं, पन्ने हटे वो हट जाता है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं हटेगा। यहाँ पर अगर आईडी बना लोगे ना, क्या नाम है, अश्वनी, अगर यहाँ पर आईडी बना लोगे ट्रेडिंग व्यू में, मैं ट्रेडिंग व्यू यूज करता हूँ, आप इन्वेस्टिंग यूज करते होंगे शायद, तो ट्रेडिंग व्यू का अगर आप आईडी बना लेते हो तो वो सेव हो जाएगा, है ना, आप उसको सेव कर सकते हो। आप लोगों के स्टॉक्स मिल चुका है मुझे, थैंक यू सो मच। और मैं इसको मैं अपने हिसाब से सेलेक्ट कर, बस बस हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। हैप्पीएस्ट माइंड कभी जिंदगी में ना ले, मैं हैप्पीएस्ट माइंड कभी नहीं लूंगा, मैं हैप्पीएस्ट माइंड सिटुएशन नहीं लूंगा। आप उसमें करोड़पति बन सकते हैं बट मैं उसमें कभी ट्रेड नहीं करता। और ना मैं सजेस्ट करता हूँ कि अभी मत ट्रेड करो, जो चीज़ हाथ से निकल गई। एक्चुअली ट्रेडर्स की एक आदत बिल्कुल गंदी होती है, एक ट्रेडर की ना आदत बड़ी गंदी होती है। वो क्या करता है, दौड़ती हुई ट्रेन पे चढ़ना चाहता है। जो ट्रेन खड़ी है ना उस पर चढ़ेगा ही नहीं, जो ट्रेन खड़ी है ना उस पर चढ़ेगा नहीं। जबकि मैंने सारे रूल्स और गाइडलाइंस बता रखे हैं कि भाई साहब चलती हुई ट्रेन ये है। बहुत सारे स्टॉक्स मैंने कल भी दिखाए हैं, उस स्टॉक से फोकस करो। मैंने होमवर्क दिए थे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता होमवर्क करने का। अब मैं स्टॉक्स लेता हूँ, HFCL मैं ही स्टॉक सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप तो आप टेंशन ना लो। और हैप्पीएस्ट माइंड और CDSL मेरे दिमाग से उतर चुके हैं और आप भी उतार लो तो बेहतर होगा। अगर आपके पास पोजिशन है, लॉन्ग पड़े हुए हो, बने रहो, ठीक है, आप उसमें बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। HFCL नहीं लूंगा क्योंकि 73 का ट्रेंड है, 73 है और आप लोग खुद ही इसको देखोगे। आप लोग लिखते रहो, है ना, लगता कि मुझे खुद ही स्टॉक्स लेना पड़ेगा। आप लोग लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं अपने स्टॉक से अपने हिसाब से स्टॉक लूंगा। आप लोग स्टॉक में आप ही लोग रहेंगे स्टॉक्स, लेकिन उसको मैं अपने हिसाब से सेलेक्ट करूंगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, रियली अप्रिसिएट योर वर्क। अब ध्यान देना, कैसे हम ट्रेंडिंग को हम आइडेंटिफाई करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड हमारा कंटिन्यू रहेगा। लुक एट हियर, देखो ट्रेंड क्या देख रहे हो, ट्रेंड अभी देख रहे हो कि ट्रेंड अभी अपन का डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है ना। तो जो ट्रेंडिंग वाली कैंडल्स होती है वो कहाँ बनती है, वो ब्रेकआउट के पास बनती है, मतलब कहीं ना कहीं जो ब्रेकआउट होता है उसके आसपास बनती है। और जब ट्रेंड चलने लगता हो, और ट्रेंड कहाँ से चलता है उस पर हम ध्यान देंगे। कैसे इसको हम HDFC लाइफ इंश्योरेंस का चार्ट है, इस पर कैसे हम ट्रेंडिंग कैंडल को आइडेंटिफाई करेंगे, तो मैं इसको ना लाइन चार्ट पर कन्वर्ट करता हूँ। आज एक महीना एक दिन हो गया, ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत कुछ सीखोगे। और आप लोग हो तो बहुत अच्छे, लेकिन बदमाशी बहुत करते हो आप लोग, हैं बदमाशी नहीं करना चाहिए। आप सभी को गुरु पूर्णिमा का ढेर सारी शुभकामनाएं, अपने अपने गुरु को विश कर दीजिएगा आप लोग। देखो अब अगर हम रिट्रेसमेंट की बात करते हैं, कैसे रिट्रेसमेंट लगाया जाता है, इस पर कैसे लगा के हम ट्रेंडिंग को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये तो रहा आपका हाई, है ना, ये आपका हाई रहा, और इस हाई के बाद जो ट्रेंड करने जो लो लगाया वो ये लो लगाया है। तो आप इसको क्या करोगे, इसको आप ए लोगे, है ना, आप इसको ए लोगे, है ना। अब मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ साथ में ताकि आप इसको कन्फ्यूजन ना बने। कैसे आप इसको एक्शन में कैसे लोगे आप, एंड प्लीज अटेंडेंस शीट भरते रहना। अरे कहाँ गया यार, टैक्स ही दिख नहीं रहा, कहाँ गया टैक्स। मैं टैक्स कहाँ रख दिया, अच्छा ये रहा,
ये अपन का ए रहा, और ए के बाद प्राइस बी की तरफ कितना मूव की है, ए रहा। जो आप लोग फोन करते हो बताते हो ना कि 12 साल 15 साल 10 साल से परेशान हूँ और अब जाके मिला है मुझे, मेरा दिल खुश हो जाता कि चलो एटलीस्ट मेरी मेहनत रंग ला रही है। तो अपन का ये ए हो गया। अब प्राइस में, अब इस पूरे जोन पर, इस पूरे जोन पर 61.8% ध्यान रखना, इस पूरे जोन पर 61.8% ध्यान रखना। पहले हमें क्या करेंगे कि हम इस पर रिट्रेसमेंट डालेंगे, मतलब जो ये जीरो पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, हमने यहाँ पे यहाँ से रिट्रेसमेंट डालोगे। आप सीखते रहो, वैसे ही करना है। तो 38 देखो, अब देखो 23.6% ब्रेक करता है कोई चीज, 23.6% से लेकर 23.6% से लेकर 61.8% तक। क्या बोल रहा हूं मैं, 23.6% के ऊपर से लेकर यहां से लेकर 23.6% से लेकर 61.8% तक, यहां पर जितने भी कैंडल पैटर्न बनेंगे, यहां पर जितने भी कैंडल पैटर्न बनेंगे वो सब ट्रेंडिंग में आते हैं। वो सब किस में आएंगे, ट्रेंडिंग में आएंगे। आप इस पर वोलाटाइल के वजह से बेच मत देना, आप इसके वोलाटाइल के हिसाब से बेच मत देना, समझने की कोशिश करो। ये मैं 33% हटा दे रहा हूँ और 33% उन्हीं लोगों को सिखाऊंगा, उन्हीं लोगों में 33% वाला, ये बहुत ही रामबाण होता है 33% वाला। अब इसको सीखना भी पड़ेगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ मैं इसको हटा दे रहा हूँ, बार जब भी क्लास हुई है जितनी बार क्लास आप लोग लिए हो सब हटाया हूँ मैं, और पढ़ाऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग आ रहे हो, 200 जिस दिन आ जाओगे उस दिन सिखाऊंगा मैं। देखो अब देखो 23.6% ब्रेक करने के बाद प्राइस जो है ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दिया ना, ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दिए। तो यहाँ से लेकर 61.8% तक ये सब ट्रेंडिंग कैंडल है। क्या है, सब ट्रेंडिंग कैंडल्स हैं। इस पर अगर आप, या जैसे प्राइस ऊपर चली गई और आपको दिख रहा कि यार ये तो ऊपर गई और यहाँ पे इसने डाउन ट्रेंड बना दिया, तो आप डाउन ट्रेंड बनाकर पसीने मत बहा देना कि पसीने नहीं है, पसीने आने लगे यार ये तो टूट गई या तो ये टूट गई, और जैसे आपको लगे कि ये टूट गई वो और तोड़ना शुरू कर दी, और तोड़ना शुरू करने के बाद प्राइस आपको मौका नहीं देगा। मैं कुछ जो चीज़ बताने जाना कोशिश समझने कोशिश करना। 23.6% के बाद 61.8% तक पूरी जो जोन है, इस पर जितने भी बाई और सेल के कैंडल बनेंगे वो एक ही चीज इंडिकेट करेंगे कि चलते जाना है। अगर आपने यहां से प्राइस चल गया तो ये आपका 61.8% तक, वो 23.6% क्रॉस कर दिया तो 38.2% तो श्योर शॉट आएगा ही आएगा, ठीक है। अब आने के बाद ये प्राइस 61 आएगी कि नहीं आएगी, इसकी क्या गारंटी है, तो इसकी गारंटी मैं लेने जा रहा हूँ, मैं सिखाने जा रहा हूँ यही गारंटी। तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, हटा रहा हूँ, और इसको समझने की कोशिश करना कि कैसे ट्रेंडिंग कैंडल बनेंगे। तो यहाँ से रिट्रेसमेंट मैंने ड्रॉ किया, ठीक ना। तो कैसे इसको आप अप्रोच करोगे कि जैसे कोई भी प्राइस 23.6% ब्रेक की है ना, 23.6% ब्रेक की, तो ये जो तुम्हारा बना हुआ है 0% ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक ना बेटा, ठीक ना अंकल जी। मेरी बेटी आई थी, तो ये सपोर्ट का काम करेगा और ये आपका 23.6% हो गया ब्रेक की 20। अभी तक सपोर्ट ये रहेगा, ये कहां तक सपोर्ट बना रहेगा, और जैसे आप ये फिर हम 33% पे चले गए, तो 33% पे गए तो ये 23% सपोर्ट नहीं है, ये सपोर्ट एज इट इज बना रहेगा, ये सपोर्ट एज इट इज बना रहेगा। 23.6% ना सपोर्ट का काम करती है ना रेसिस्टेंस का काम करती है, देयर इज नो सपोर्ट एंड देयर इज नो रेसिस्टेंस, ये ट्रेंड ही रहता है वो। 23.6% पर आप कभी करेक्शन के मूड में मत बना लीजिएगा। तो यहाँ पर प्राइस जैसे 33% क्रॉस की, लिसन 33% तक ये इतना ही रहेगा, 33% इतना ही रहेगा, जैसे ही प्राइस अपना 50% ब्रेक की, जैसे ही प्राइस 50% को ब्रेक करती है आपका सपोर्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सपोर्ट, आप ये हो जाएगा। कहां पर ये होगा, अब मुझे बताओ लिख के कि 23.6% का जो सपोर्ट है ये कब बनेगा, 23.6% का जो सपोर्ट है ये कब बनेगा, और इसी तरह रेसिस्टेंस भी बताऊंगा मैं, इसी तरह से ये मुझे बताओ कि 23.6% का सपोर्ट कब बनेगा, जब प्राइस
जब प्राइस, बोलो बोलो, जब प्राइस 50% को ब्रेक करेगी, ठीक है, और जैसे ही प्राइस 61.8% को ब्रेक की तो सपोर्ट कौन बनेगा, ये 38.2% का। प्राइस जैसे ही 78.6% ब्रेक की सपोर्ट क्या बनेगा, 50% का। प्राइस जैसे ही सपोर्ट ब्रेक की 90% ब्रेक की सपोर्ट क्या बनेगा, 61.8% का। तो जब जब प्राइस एक एक रेशियो क्रॉस कर रही है, इसी तरह प्राइस क्या करती चली जाएगी, एक एक के बाद एक बढ़ाती चली जाएगी। तो ठीक है, समझ में आ रही है। अब फिर से इसको अप्रोच दे रहा हूँ, फिर इसको डाउन ट्रेंड में बता रहा हूँ, डाउन ट्रेंड भी समझ लो इसको। और इसी तरह इजिप्ट ना, जैसे कि यहाँ बता रहा हूँ ना कि जैसे कि 23.6% ब्रेक कर गई, 23.6% ब्रेक कर गई, पहले इसको समझ लो, उसके बाद लाइव मार्केट में लाइव चार्ट में दिखाऊंगा। तो 23.6% ब्रेक कर गई, तो इसकी यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक जितना भी कैंडल का डाउन कैंडल बनेगा, जो भी कैंडल डाउन बनेगा, वो सब आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देंगे, वो सब आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देंगे। और सेम चीज यहां भी कि जैसे ही प्राइस ने 38.2% मतलब 50% को ब्रेक किया, 50% को ब्रेक किया, आपका रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस क्या बन गया, ये रहा, ये आपका रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस बन गया। बस समझ आ रही बात, ये रेसिस्टेंस बन गया 50% क्रॉस करने के बाद। जैसे प्राइस 61.8% क्रॉस करती है, 61.1% क्रॉस करती है, तो आपका रेसिस्टेंस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो जैसे जैसे ये चलती जाएगी, अब जैसे ये प्राइस और क्रॉस की 78.6% क्रॉस की, तो आपका सपोर्ट क्या बन जाएगा, आपका 50% बन जाएगा। तो यहां से लेकर मतलब 23.6% से लेकर 23.6% से लेकर यहां तक तो ट्रेंडिंग कैंडल बनेगी बनेगी, यहां तक प्राइस आपकी ट्रेंडिंग वाली कैंडल बन गई। यहां तक आपको कुछ एक्शन नहीं लेना है। अगर यहां पर कोई बुलिश कैंडल पैटर्न बन भी जाता है ना, तो भी आपको इंडिकेट करेगा ट्रेंड के साथ, वो भी आपको इंडिकेट करेगा कि ट्रेंड अभी आपका एज इट इज बना रहेगा, ट्रेंड है आपका एज इट इज बन रहेगा। ट्रेंड कंफर्म कब करेगा, जब वो 23.6% ब्रेक कर देगा, 23.6% जब ब्रेक कर देगा तभी ट्रेंड क्या होगा, चेंज होगा। ये सीख लो, समझ में आई बात, इसको जितना जल्दी सीखना चाहते सीखना है सीख लो, क्योंकि मैं खुद बहुत मेहनत से सिखाऊं, बहुत पैसे खर्च करके सिखाऊं, अब मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है, बहुत पैसे लगाए हमने, बहुत पैसे, फोकट का मिल रहा है, फोकट अब ध्यान देना कि जैसे आपने इसको यहां पर हाई था, ये हाई था और ये आपका लो था, ठीक है, तो यहां पर ट्रेंड कैसे चेंज हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। अब यहां पर आप रिट्रेसमेंट डालोगे ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि प्राइस यहां से नीचे की तरफ गई है ना, तो अब इसको कैसे, इस पर ट्रेंडिंग कैंडल कैसे बनी है, तो 23.6% ब्रेक कौन की है, कैंडल इसने ब्रेक किया है ना, 23.6% कैंडल ने इसको ब्रेक किया है, इसको ब्रेक करके इसी को इसी के ऊपर क्लोजिंग में दे रखी है, इसी के ऊपर इसने क्लोजिंग में दे रखी है, ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ आप ही के चार्ट पर। तो अब प्राइस क्या हुई, 31.2% चली गई, 38.2% चली गई, तब तक आपका जो सपोर्ट है वो यही रहेगा, तब तक ये सपोर्ट यही रहेगा। प्राइस 31.2% चली गई, ठीक है, तो आपका सपोर्ट यही रहेगा। ऐसा नहीं कि आप पैनिक होकर आप बेच दो और डाउन ट्रेंड आया, 23.6% को डायरेक्ट टच भी किया है, ये टच भी किया, आपको पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप पैनिक अब इसको टेस्ट करने के लिए स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करोगे, और जब मैच्योर हो जाओगे दो साल साल भर के बाद, जब अच्छा मैच्योर होगा तब अभी ह्यूज क्वांटिटी करना, अभी जब इसको लर्निंग पीरियड में हो तो कुछ क्वांटिटी ट्रेड करके चलो, ताकि आपको एक स्मार्ट ट्रेडर बन जाओ, एक स्मार्ट पोर्टफोलियो मैनेजर बन जाओ। उसके बाद जब बन जाना तब दबा के ट्रेडिंग करना, दबा के इन्वेस्टमेंट करना कोई वो नहीं है,
आप करना है। तो 23.6% जब आपका ब्रेक की यहाँ पर, सॉरी 38.2% जब ब्रेक की, तब तक ये बना रहेगा। प्राइस 50% पहुँच गई, प्राइस जब 50% पहुँची तब आपका 23.6% का सपोर्ट बना। सपोर्ट यहाँ तक आने के बाद भी ये सपोर्ट बना रहा, प्राइस जब यहाँ से चलना शुरू की, जब प्राइस यहाँ पहुँची तब तक ये सपोर्ट बना। उसके बाद प्राइस जो है कहाँ पहुँची, 61.8% पर। तो जब 61.8% पर प्राइस पहुँची है, ध्यान देना, जब प्राइस 61.8 पर पहुँची तो आपका सपोर्ट क्या बन गया, 38.2% बन गया, ठीक है। अब प्राइस कहाँ पहुँची, 78.6%। जब 78.6% पर प्राइस पहुँची, जब 78.6% प्राइस पहुँची तो सपोर्ट क्या बन गया, 50% का बन गया, ठीक है, समझ मेरी बात। तो 50% जब ब्रेक करती है प्राइस, अगर 50% को प्राइस अगर ब्रेक करी है तो ही ट्रेंड क्या होगा, चेंज होगा, तो ही ट्रेंड क्या होगा, चेंज होगा। तो आप देखोगे कि प्राइस 78.6% पहुंचने के बाद क्या हुआ। अब ये मत कहना कि ये मुझे नहीं पता, ये बेल्ट होल्ड पैटर्न है और इसमें आप ही नहीं फंसे हो, इसमें आप ही को मौका नहीं मिला, ये सब किसी को मौका नहीं मिला होगा, ये रिजल्ट बना होगा, ये किसी को मौका नहीं दिया, ये बेयरिश बेल्ट होल्ड पैटर्न है, ये पढ़ा चुका हूं मैं, ये बेयरिश बेल्ट होल्ड पैटर्न है। तो यहां पर जो टूटना शुरू की, फटाफट टूटी और आकर 50% को तोड़ दिया। तो जैसे उसने 50% को तोड़ा, ट्रेंडिंग कैंडल कहीं भी देखो, कहीं भी ट्रेंडिंग कैंडल जो है, आपको बार बार आपको, आप इस पर बाई मत करना, आपकी बाइंग हो चुकी है, 23.6% के ऊपर बाइंग हो चुकी है। तो जितने भी कैंडल पैटर्न बने इसको बाई करने की जरूरत नहीं, ये सब ट्रेंडिंग वाले हैं, ये सब ट्रेंडिंग पैटर्न है, आप इसको समझ के, ये कंफ्यूज करके मत समझ जाना कि इसने बाई एंटी, इसने बाई करा दिया है बॉटम पे, इसने बाई करा दिया है, ये सब ट्रेंडिंग वाले हैं, ये सब जितने भी कैंडल ट्रेंडिंग वाले हैं, ठीक है। आप ध्यान देना कि जैसे उसने प्राइस को 50% ब्रेक किया, प्राइस को जैसे उसने 50% को ब्रेक किया, अब ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, अब ट्रेंड क्या हुआ, कंटिन्यू हो गया। फिर से समझाऊंगा, अगर नहीं समझ आई तो मैं बार बार समझाऊंगा इसको, मैं ध्यान देना, नहीं समझ में आएगा तो फिर से पूछना पड़ेगा और मुझे बताओ कि समझ में नहीं आया है, नहीं समझ आया तो फिर से बताऊंगा। पहले रिट्रेसमेंट के इंपॉर्टेंस को समझो कि रिट्रेसमेंट ही आपको बताएगा कि ट्रेंड अपना, जो ट्रेंडिंग कैंडल है वो कहाँ बनना चाहिए, ट्रेंडिंग कैंडल है वो कहाँ बनना चाहिए। अब ये जो ट्रेंड चेंज हो रहा है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, ये समझ में आया कि अब एक्शन कैसे, ये ट्रेंडिंग कैंडल जब भी आप लोग अप्लाई करना तो 23.6% और यहाँ तक 61.8%, यहाँ तक आपका हक बनता है, आपका यहाँ तक हक बनता है पैसा बुक करने का, ठीक है। 78.6% थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है, लेकिन मार्केट का जिस तरह से हक है आपसे पैसा छीटने का, आपसे पैसा लेती है ना मार्केट, हक से स्टॉप लॉस ट्रिगर कराती है ना पैसा, मार्केट के हक से स्टॉप लॉस लेना है तो हक से पैसा मांगा करो, जिस तरह से देते हो उसी तरह से लेना भी सीखो। देखो ये समझ में आ गया तो अब इसकी बात करते हैं। देखो पहले फिर से समझ लो, नहीं समझ आ रहा है तो, यहाँ बॉटम बन गया तो दुनिया का कोई भी ट्रेनर और किसी का बाप की हिम्मत नहीं है कि ये बता दे कि हम यहाँ बाय करेंगे, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ठीक है, हम लोग पकड़ लेंगे, लेकिन मैं तुम आप लोग का, मैं ये वर्ड इसलिए यूज किया हूँ कि आप लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक ना। आप लोग जब मेच्योर हो जाओगे, जब अच्छे इन्वेस्टर और पोर्टफोलियो मैनेजर बन जाओगे, उसके बाद ये सब पकड़ में आने लगते हैं, डोंट वरी, ठीक है। मैं इसलिए बताया था कि आप फिलहाल इसका माइंड सेट से हटाओ इसको। तो यहाँ से जब प्राइस बाउंस बैक करना शुरू की, जब चलना शुरू की, तो 23.6% मैंने बता चुका हूँ आप लोगों को कई बार कि 23.6% ही आपको ट्रेंड चेंज करवाती है। तो 23.6% अगर प्राइस ब्रेक कर गई तो आपका ट्रेंड क्या हुआ, चेंज हो गया, मतलब वो ट्रेंड हमारा कंटिन्यू चला गया। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि 23.6% के ब्रेक के बाद 38.2% आपका हक बनता है। तो देखो आप यहाँ पर इनिशिएट कर सकते हो, आप इस पर इनिशिएट कर सकते हो, 23.6% ब्रेक किया तो आप इस पर लॉन्ग इनिशिएट करोगे विद द स्टॉप लॉस, आप जो भी लो बना होगा लो का मल्टीप्लाई 0.6 कर देना, और करने के बाद क्या करना है कि चलने दो इसको। तो जैसे ही प्राइस अगर 38.2% ब्रेक करती है तो जस्ट वन मिनट, एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, जस्ट वन मिनट।
देखो, हेलो, अब देखो, फिर से समझो कि जैसे प्राइस आपकी 23.6% ब्रेक की, कभी कभी एक अर्जेंट कॉल आ जाती है ना जिसको पिक करना होता है, तो वो ऐसे कुछ है। चलो अब दिखेगा दिखेगा। रुक जाओ अभी बता रहा हूँ। वेट वेट वेट, मैं ये वर्ड इसलिए यूज किया ना कि ताकि ना दिमाग से वो चीजें निकल जाए, आप लोग दिमाग से, आप लोग स्मार्ट बन जाओ, आप लोग दिमाग से सब कुछ निकल जाए, बस समझ रही है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया है। और ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है, थोड़ा सा लाइट मूड में भी लेकर चला करो यार, हमेशा सीरियस मत बना करो। कहाँ आया यार, मैं आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ, मैं दिख रहा हूँ ना, हेलो, मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, हेलो, मैं दिख रहा हूँ शैली, मैं दिख रहा हूँ ना आप लोग को क्लास है। हाँ चलो, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है ये सब चीज़ें। हाँ चलो ठीक है, मुझे ही नहीं दिख रहा है। मैं ही विजुअल हो गया क्या? एक मिनट रुक जाओ। चलो लुक एट हियर, तो जैसे ही कि प्राइस, अगर मैं अभी अप साइड की बात कर रहा हूँ, फिर डाउन साइड की बात करूंगा, जैसे ही प्राइस 30.2% ब्रेक करती है, तो आप क्या करोगे, आपका एक्शन क्या है कि आप यहां से बाई कर, 23.6% जब आपने बाई किया था तो आप प्रॉफिटेबल बन गए, आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल यहां पर आ गए। कहते हैं ना कि चेहरे पे खुशी आई और उसी दिन खींच ली, उसी दिन आपने टेंशन में आ गए, क्या यार कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बेरिश पैटर्न बन रहा है ना, दिमाग में चल रहा है क्या यार कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बेरिश पैटर्न बना रहा है ये वाला, हमने तो अभी जस्ट बाई किया था है ना, दिमाग में चल गया अभी तो हम जस्ट बाई किए, अभी जस्ट बाई किए और ये बेरिश सिग्नल बना दिया ये वाला है ना, बेरिश सिग्नल बना दिया। तो डरना नहीं है, अभी आपको 30.2% अगर आपने यहाँ पर बाई कर लिया है तो ये सब आपको चलने का मौका है और आपका स्टॉप लॉस यही बना रहेगा अभी तक। और देखो जब चल रहे हो तो 23.6% जब आई तो आपके पसीने नहीं आने चाहिए, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस ये नहीं है, 23.6% नहीं है, आपका स्टॉप लॉस एज इट इज बना रहेगा, वो एज इट इज बना रहेगा स्टॉप लॉस। अब आप चलो, क्योंकि ये ट्रेंडिंग कैंडल था, ये आपका ट्रेंडिंग कैंडल है जो आपको डराएगा, जो आपको डराएगा कि अच्छा तो तुमने भी बाई किया है, ये लो ये दिमाग में रखना। मार्केट हमेशा कहती है, मार्केट हमेशा एटीट्यूड में रहती है, आप भले एटीट्यूड में मत रहो, ले आपको रहना भी नहीं चाहिए, मार्केट हमेशा एटीट्यूड में रहती है, वो आपको कभी नहीं चाहे, वो कभी नहीं चाहेगी कि आप स्मार्ट बनो, वो कभी नहीं चाहेगी मार्केट कि आप स्मार्ट बनो, और उसकी स्मार्टनेस आपको तोड़ना है। अब यहाँ पर 30.2% के बाद एज इट स्टॉप लॉस रहा, अब प्राइस 50% बाउंस करने दो, डोंट वरी होल्ड करो, करने दो 50% अगेन, जैसे 50% ब्रेक किया 23.6% रह जाओ, 50% कैंडल में ब्रेक किया 23.6%, अगेन प्राइस 61.8%, अगेन अब आ जाओ सपोर्ट पर 31.2%, 31.2% अगेन प्राइस ने ब्रेक किया, घबराना नहीं है, अभी स्टॉप लॉस बना हुआ है 31.2% का, प्राइस 61.8% पर खड़ी है, बेयरिश सिग्नल बना रही है, बनाने दो 38.2% ब्रेक करने दो, 38.2% जब ब्रेक करेगा तो ही ट्रेंड चेंज करेगा, अदरवाइज प्राइस ऊपर अगेन 78.6%। तो 78.6% पहुंची प्राइस ने ट्रेंडिंग कैंडल को लेकर, इस सारे ट्रेंडिंग कैंडल्स होते हैं, लेकर पहुंची, और जब यहां पर पहुंची तो आपका स्टॉप लॉस कितना बन गया था, 50% बन गया था, आपका स्टॉप लॉस कितना बन गया था, 50% बन गया था। तो क्या हुआ, 25 जून को मार्केट वही बंद हो गई टॉप पर, और अपन को बुक भी करते रहना है, जो मैंने आपको स्टॉप लॉस बता रखा है, जो मैंने आपको ट्रेंड स्टॉप लॉस वाला सिखा रखा है, उस तरह से आप बुक भी करते हैं। अगर नहीं बुक करोगे तो जहां से चले थे सनम वहीं आ जाओगे, जहां से चले थे ना वहीं आ जाओगे, हाथ में मुट्ठी भर कुछ नहीं आएगा, तो बुक करते रहना है, बुक करते रहना है। यहाँ पर आप 61.8% भी बुक करना है, 78.6% के भी कुछ आसपास बुक कर लेना है, और ये मौका नहीं मिलेगा, अगर कोई लॉन्ग पड़ा होगा तो ये आपका पक्का स्टॉप लॉस कटा देगा, आपके पास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके लेके जा रहे हो पोजिशन को, पोजिशन को स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करके लेके जा रहे हो, और ये आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर करा दिया, ये स्टॉप लॉस पक्का ट्रिगर ही है, ये स्टॉप लॉस को ट्रिगर ही कराया गया है। निकल गए
सपोर्ट था तोड़ दिया, 50% सपोर्ट तोड़ दिया, तो जैसे ही उसने सपोर्ट तोड़ा, 50% का सपोर्ट टूटा, अब ट्रेंड क्या हो गया, चेंज हो गया। अब इसको रिट्रेसमेंट को हटाओ, रिट्रेसमेंट को हटाओ, अब इसका कोई काम नहीं है, अब इसका कोई काम नहीं, अब इसको पलट दो, जहां से चले थे सनम वहीं, फिर वहीं से रिट्रेसमेंट लगाना है, जहां से चले थे वहां से, और जहां पर ट्रेंड फिनिश किए वहां से यहां तक रिट्रेसमेंट डाल दो। अब चलो, अब इसकी बात करो, अब यहां पर क्या हुआ कि प्राइस ने जब चलना शुरू कर दी तो 23.6% तोड़ चुकी है और यहां तक आ चुकी थी, है ना, 38.2% तक आ चुकी थी, तो 38.2% मैंने आपको बता रहा कि 38.2% तक आपका स्टॉप लॉस यही रहेगा, ठीक है। प्राइस दूसरे दिन क्या की, दूसरे दिन गैप डाउन, दूसरे दिन एक गैप से डाउन की ऊपर खींच लेकर आई, तो आपको 38.2% जब टूट गया है, अब आप बिंदास रहो कि प्राइस को नीचे ही लेकर चलना है, तो 61.8% प्राइस आई, तब तक आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, प्राइस 61.8% आ चुकी है, आपका स्टॉप लॉस कितना रहेगा, 38.2% का रेसिस्टेंस है। प्राइस नीचे आई, आपके चेहरे पर लाली आ गई कि आओ वाओ व्हाट ए प्रॉफिट, बट डोंट वरी, आपका स्टॉप लॉस अभी तक ट्रिगर नहीं किया है, आपने प्राइस को 78.6% तोड़ दिया ना, 61.8% प्राइस तोड़ दी, फिर भी आपका स्टॉप लॉस कितना रहेगा, 38.2%। जब तोड़ेगी तभी तो मजा आएगा ना, जब तोड़ेगी तो ट्रेंड चेंज करेंगे, अदरवाइज अभी तो नहीं, तो ट्रेंड तोड़ चुकी है। अब प्राइस 90% है, प्राइस 90% है, अब क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि आपका स्टॉप लॉस कितना है। अब लॉन्ग शॉर्ट होल्ड की हो, सपोज करो कि आपने शॉर्ट होल्ड किया है, तो आपका स्टॉप लॉस क्या बनेगा। अब मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि स्टॉप लॉस क्या है, ये सब कुछ आपके चार्ट बता रहा हूं मैं, ये सब कुछ आपके चार्ट बताता है, बताऊं अब आपका स्टॉप लॉस क्या बनेगा। ये सब जितना मैं पढ़ा रहा हूं ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, दो बार तीन बार चार्ट को देखोगे नहीं तब तक ये नहीं आएगा, याद रखना, इसके लिए लड़ना पड़ेगा, इस माला टाइम फ्रेम में बैठ के पढ़ना पड़ेगा। स्टॉप लॉस बताओ जल्दी, हमारे आपके पास शॉर्ट पोजीशन है और इसका स्टॉप लॉस बताओ, 90% पे खड़े हो, फटाफट लिखो, मैं चाहता हूं ना कि यहां पर आया करो तो स्टूडेंट की तरह आया करो, एक भाई की तरह आया करो, एक सिस्टर की तरह आया करो, और पार्टिसिपेट किया करो, बैठ के वॉचिंग करोगे पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो मैं समझूंगा कि आप लर्निंग मोड में नहीं आए हो, मजे लेने के मोड में आए हो। तो जिन लोगों ने 50% लिखा था उनके लिए बोलूंगा फिर से समझ लेना, आपका स्टॉप लॉस 61.8% बनेगा, जिन लोगों ने 61.8% लिखा उनके लिए मैं क्लैपिंग कर रहा हूं, जिन लोगों ने 50% लिखा है उनको फिर से समझा देता हूं, फिर से समझो, अगर देखो प्राइस 23.6% तक 38.2% तक एज इट इज रहा, रेसिस्टेंस है, तो 38.2% ब्रेक करती है तब तक यही रहेगा, 50% से चेंज होना शुरू होता है, 50% से चेंज होना शुरू होता है, तो 50% जब ब्रेक किया तो स्टॉप लॉस 23.6%, जब 61.8% ब्रेक किया तो 38.2%, जब 78.6% ब्रेक किया, जब 78.6% ब्रेक किया तो 50%, है ना, और जब प्राइस यहां से रिवर्स करके अपना 38.2% नहीं गई, और जब 78.6% ब्रेक करेगी तो आपका 50%, है ना, 50%, और जब 90% के पास खड़ी है तो 61.8%, मतलब एक को छोड़ना है आपको, चेंजिंग कहां से आती है, चेंज यहां से होता है, चेंज यहां से होना शुरू होता है, और आपको एक एक छोड़ना है, अगर आप यहां पर हो तो स्टॉप लॉस ये बनेगा, अगर आप यहां पर हो तो स्टॉप लॉस ये बनेगा, एक को छोड़कर चलना है, हमेशा एक को छोड़ के चलना होता है। और हमने अभी तक क्या पढ़ा था, कहीं भी गूगल वगैरह पे भी करोगे, यूट्यूब पे करोगे तो आपको यही दिखाई देगा कि एक दूसरे के बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, करके देखो ना, तुम्हारा स्टॉप लॉस ट्रिगर करा दिया, मार्केट से बाहर करा दी मार्केट तो कहना। अब प्रॉफिट बुक करने के लिए जो मैंने कैलकुलेशन सिखा रखी है,
उसी को फॉलो करना है। अगर आपने शॉर्ट बना रखा है तो आप इसी को फॉलो करें। कल अगर सपोज करो कि कल HDFC लाइफ अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर कराता है, मतलब सॉरी ये 100% ब्रेक करता है, अगर ये 100% ब्रेक करता है तो आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा? जो वो वही लोग लिखेंगे जिन्होंने 50% लिखा था। मैं उनसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मान लो कि प्राइस कल 100% ब्रेक करती है तो तुम्हारा स्टॉप लॉस क्या बनेगा? अगर मान लो कि 100% ब्रेक करती है तो स्टॉप लॉस क्या बनाओगे? हाँ 70। अब आए ना ट्रैक पर, बहुत बढ़िया। कीप इट अप। अब मान लो कि प्राइस 100% तोड़ेगी तो 133% का टारगेट आएगा। तो अब अगर मान लो कि अगर 100% आ गई, 133% आ गई, तो स्टॉप लॉस 133% आ गई तो स्टॉप लॉस क्या दोगे? 133% आ गई तो स्टॉप लॉस क्या दोगे? हाँ मतलब ट्रेंड के साथ चलना है, बताओ। 133% आई तो स्टॉप लॉस क्या दोगे? 90 का। अब 161% आई तो स्टॉप लॉस क्या दोगे? 100 का। तो इसी तरह से आप इसको फॉलो करेंगे और आपको प्रॉफिट बुक करके चलते चलना है। अब ऐसा आपको प्रॉफिट बुक करके ही चलना है, राइट? छोटा सा एग्जांपल मैं आपको निफ्टी का ही बता देता हूँ कि कैसे इसमें निफ्टी का सेंसेक्स का कहीं भी अप्लाई करोगे तो एचडी चलेगा, ठीक है? सपोज करो कि निफ्टी में जो आप लोग परेशान होते हो कि इंडेक्स में अगर ऑप्शन में कुछ भी करते हो, वाट एवर, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या करते हो, बट कुछ भी करना पोर्टफोलियो मैनेजर और स्मार्ट ट्रेडर जरूर बनना लाइफ में। ये सब पैसा देने से भी नहीं सीख पाओगे। चलो ये रिट्रेसमेंट डालते, अगर मार्केट ने तोड़ना शुरू की तो ये रिट्रेसमेंट डालते, ठीक है? रिट्रेसमेंट डालते, कैसे एक्शन लोगे समझ लो, इसको एक्शन कैसे लेते हैं ये भी अभी समझाऊंगा। अभी मैं आपको ये भी समझा, पहले करंट मूव सिखा दूं, बता दूं कि यहां पर एक्शन लेते हैं। बताओ कहां पर एक्शन लेते हैं? जल्दी जल्दी बताना शुरू करना, पार्टिसिपेट करो। मैं 23.6% में बाई करता हूं, मैं 23.6% में बाई करता हूं। अब अपने कमेंट छोड़ के यहां पर पार्टिसिपेट करना सीखो। 23.6% ब्रेक किया तो क्या करोगे? मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, फटाफट बताओ। 23.6% ब्रेक करती तो क्या करोगे? 23.6% ब्रेक किया तो क्या करोगे? फटाफट बताओ, पार्टिसिपेट करो, जल्दी करो, क्या करोगे? 23.6% ब्रेक कर गया, बाई, बहुत बढ़िया, बाई। और प्राइस बाई कर लिए, बाई करने के बाद क्या हुआ? यहाँ पर बाई कर लिए, 1 बजे बाई कर लिया, न तोड़ दिया उसने, मतलब अब पसीने आ गए। ओह माय गॉड, ये तो गई मार्केट। मार्केट गई, बाई करके बैठे हो, स्टॉप लॉस यही है, स्टॉप लॉस अपन का यही है, ठीक है? प्राइस क्या हुई? 22 जुलाई को प्राइस 23.32% को आ गई, 50% आ गई, 50% पर आ गए। जब 50% पर आए तो स्टॉप लॉस, 50% पर आ गए तो स्टॉप लॉस कितना होगा? 50% पे आए तो स्टॉप लॉस क्या होगा? 23.6% होगा। पार्टिसिपेट करना सीखो और फॉर्म भी फिलअप करते रहना। मतलब मजाक बना के रखे तुम लोग, आए फॉर्म फिलअप नहीं करोगे? फॉर्म फिलअप नहीं करोगे? पूरा 150 लोग फॉर्म फिलअप नहीं करने का दिल कर रहे हैं ना? मैं भी नहीं बताऊंगा। एक मिनट के लिए रोक रहा हूं। प्लीज सबमिट करो फॉर्म, फटाफट करो, फिर मैं आगे, अभी आगे, अभी ये भी बताना है और आगे का मूव बताना है, जल्दी करो। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट बताओ, अटेंडेंस लगाओ पहले, उसके बाद कमेंट करते हैं। इंडिपेंडेंट बना दूंगा, रिलैक्स रहो, इंडिपेंडेंट तुम लोग बना ही दम लूंगा मैं भी, देखते हैं तुम लोग।
देखते हैं तुम लोग भाग के कहाँ जाओगे। चलो फटाफट पहले जल्दी जल्दी फॉर्म फिलअप करके आओ, फटाफट फॉर्म फिलअप करके आओ जल्दी। 120 लोग हो, 100 लोगों ने कम से कम फॉर्म तो चाहिए ना, 100 लोग का चाहिए फॉर्म, जल्दी करके आओ, मुझे निकलना है, जल्दी करो। जो लोग क्लास छोड़ के जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछोगे तो बताओगे नहीं, याद रखना। हाँ बिल्कुल, संडे सेशन करेंगे, कल भी सेशन करेंगे, हो गया। मनी बी इंस्टीट्यूट कितने लोगों ने फॉर्म क्लियर किया है, मनी बी इंस्टीट्यूट कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है, मैं देख रहा हूँ, मैं भी काउंटिंग करता हूँ। अब भी नहीं है, मनी बी कितने लोगों ने फॉर्म सबमिट किया, अटेंडेंस लगाया, स्टिकर पूछ रहा हूँ मैं, याद रखना, अगर नहीं बताओगे, नहीं फॉर्म फिलअप करोगे तो मैं भी आगे नहीं बताऊंगा। छोड़ दो क्लास, छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लास बंक कर दो, क्लास बंक कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रोक के बैठा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रोक के बैठा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज रोक के बैठा हूँ मैं, जल्दी करो। 19 अभी लोग के, 3 लोग ही ने फॉर्म फिलअप किया, 3 लोगों ने, चलो सैली अगर फॉर्म 90 आ जाता तो मुझे अपडेट करना है, 90 फॉर्म आने चाहिए, ठीक है, चलो भर देना फॉर्म प्लीज, 90 फॉर्म आने चाहिए, 90। चलो अब देखो 38.2% पर हमारा क्या हुआ, समझ लो पहले कि 38.2% पर जब हमारा ट्रेंड चेंज हुआ तो 50% पर जब हम आए, तो जब हम 50% पर आए तो हमारा स्टॉपलॉस ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम आ गए कहां पर, 61.8% पर, तो अब 23, अब अपन के पास, अपन लोग कहां आते हैं, 61.8%, तो 61.8% आए तो 38.2% का स्टॉपलॉस हो गया, ठीक है। और अभी हम कहां खड़े हैं, 78.6%, तो 78.6% खड़े हैं, तो अभी यहां पर स्टॉपलॉस क्या बनेगा, अभी स्टॉपलॉस क्या बनेगा, लॉन्ग होल्डिंग का, अगर हमने लॉन्ग होल्ड किया है तो 70 क्या बनेगा, 50% का, है ना। और यहां से के बाद, यहां के बाद देखो प्राइस ने जितने भी कैंडल पैटर्न बनाई, देखो कितने भी कैंडल पैटर्न बनी है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पैनिक होना ही नहीं है। यहां के प्राइस अगर मान लो कि 61.8% लगे तो भी पैनिक मत होना, पैनिक कब होना है, बेचना कब है आपको, नया सेल ट्रेंड कब चेंज होगा, जब प्राइस आपकी, जब प्राइस आपकी 50% ब्रेक करती है, जैसे ही प्राइस 50% ब्रेक करे, ध्यान देना, जैसे ही प्राइस 50% को ब्रेक करे, क्या करोगे, इसको हटाओगे और यहां से यहां तक लगा दोगे, समझ आ रही है। तो ये आपका वैसे ही चलेगा जैसा आपने पहले पढ़ा है, समझ में आई बात। तो अभी अगर हमें बात करें कि निफ्टी की होल्डिंग, अगर हमने निफ्टी, अगर सब कुछ निफ्टी हमने लॉन्ग होल्ड किया है, मेरे ट्रेड पे मत जाना, अगर आपने निफ्टी लॉन्ग होल्ड किया है तो व्हाट विल योर स्टॉप लॉस, 50%। ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सब कुछ आपके कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट से है, इस पर एग्रेसिव होकर मत एक्शन लेना, ये सब कुछ आपको क्या करना है, कंजर्वेटिव एक्शन लेकर चलना है, और लाइट ट्रेड करके देखोगे, लाइट इन्वेस्टमेंट करके देखोगे तो ही आप एक सफलता मिलेगी आपको, बस समझ आ रही है आपको। ट्रेंड चेंज आपका 50% के नीचे हो जाएगा, तो जैसे ये 50% के नीचे चेंज होगा आप उसको उठा देना, उठा के आप क्या करोगे, पलट दोगे ऐसे, तो जब पलटोगे तो मैंने बता ही चुका हूं कि 23.6% 50%, तो 38.2% अगर ब्रेक हुआ तो अब कंफर्म हो जाएगा, आपको तो कंफर्म हो जाएगा। अगर आप ऐसे भी रिट्रेसमेंट डालते हो ना, अगर आप ऐसे भी रिट्रेसमेंट, तो एजिटिव दिखाई देगा, देखो ये आपको ऐसे ही दिखाई देगा, ज्यादा फर्क नहीं आता इस पर, ये जो सिखा रहा हूं ना, ये अल्टीमेट चीज है, ये अल्टीमेट चीज है, इसको समझ लो, सीरियसली समझ लो, पढ़ लो, दिमाग लगाओ, कैसे लग रहा है, कैसे, यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। अब पता नहीं कि पुट बाय करना है कि कॉल बाय करना है, यू नीड टू बी टेक योर डिसीजन ऑन योर डिसीजन, ठीक है, ये आपको खुद ही डिसीजन लेना है, ये आपको खुद ही डिसीजन लेना है। अब मैं बात करता हूँ छोटा से स्टॉक्स के, टीसीएस की, ये सब यहाँ पर ट्रेंडिंग कैंडल बने हैं, मैं जो आप बता रहा हूँ कि ये सब ट्रेंडिंग है ना। अब देखो कि प्राइस ने यहाँ पर क्या बवाल किया था,
बवाल हुआ था ना ये वाली सिचुएशन पर, लोगों का बवाल हो गया था ये वाली सिचुएशन पर, लोगों ने बवाल खड़ा कर दिया था। एक कमेंट पढ़ा था मैंने कि सर बवाल हो गया है, वो जो बवाल वर्ड है ना इस पर कैसे ऐसा हुआ है जरा चेक करो कि एग्जैक्टली क्यों हुए थे पैनिक, पैनिक होने का रीजन क्या था, क्यों पैनिक हो गए थे, पैनिक होने का रीजन फाइंड आउट करो क्यों पैनिक हुए थे। अब देखो पैनिक होने का रीजन ये था कि प्राइस जो थी कंटिन्यू टूट रही थी, तो आप देखो कि प्राइस जब तोड़ना 23.6% थी और प्राइस ने गैप दिया, प्राइस ने गैप दिया, ठीक है ना। अब देखोगे तो प्राइस ने यहाँ पर 19 जुलाई को प्राइस ने क्या की, ओपन हुआ गैप अप के साथ, मतलब आई थिंक यहाँ पर गैप हुई ऊपर गई, तो 23.6% को ब्रेक नहीं कर रही थी, 23.6% को ब्रेक नहीं कर रही थी, तो आपका क्या काम था, आपका काम था इसको यहाँ पर लगा के बेचने का, आप इसको स्टॉप लॉस रखते और रखना ही ऐसे ही करना है, यहाँ पर लगाते प्राइस नीचे चल रही है, सपोज करो कि प्राइस 100% आ गई, सपोज करो कि प्राइस आपकी 100% यहाँ पर आ चुकी है, आपका स्टॉप लॉस क्या बनेगा। अगर आपने लॉन्ग होल्डिंग किया, शॉर्ट होल्डिंग किया है, ध्यान देना, अगर आपने शॉर्ट होल्डिंग किया था तो आपका स्टॉप लॉस क्या बनता है। सपोज करो कि हमने यहां पर शॉर्ट होल्ड किया हुआ है, बताओ यहां पर मैंने शॉर्ट होल्ड किया था तो मेरा स्टॉप लॉस क्या बन रहा था। मैंने 100% पर शॉर्ट होल्ड करके आराम से बैठ के सो रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या स्टॉप लॉस बनता है 78%। 78.6% तोड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं पोजीशन बदल लेते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको ना एजली छोड़ देते हैं, इसको हम ऐसे ही इसको लगा के छोड़ देते हैं, इसको किनार कर देता हूं मैं, इसको फिर से समझा देता हूं, इसको समझ लो। ऐसे मैंने छोड़ दिया है 78.6% दिमाग में है ना कि 78.6% पर हमें क्या करना है, पोजीशन को काटना था, हमें रिटर्न, हमें प्रॉफिट बुक करना था। अगर वैसे भी आप प्रॉफिट यहां से यहां तक आप उतना पचा नहीं पाओगे, प्रैक्टिकल देखोगे तो पचा नहीं पाओगे। निफ्टी में अगर आप बेचते हो 850 पर और निफ्टी आ जाती है 580 पे आसपास, तो जिंदगी में ईमानदारी से बताना निफ्टी में एक ट्रेड पर 300 पॉइंट बुक किए हो। मैंने तो कभी नहीं किया, आप किए हो ईमानदारी से, मैंने नहीं किया। पचा पाते इसको, इसको पचा पाते हैं, पढ़ने को तो सब कुछ पढ़ रहे हो, पचा पाते इसको, यहां से चली ना 2500 पॉइंट, यही 100 पॉइंट दिखाई दे रही है, 70 पॉइंट यही दिखाई दे रही है, पचा पाते 300 पॉइंट, एग्जैक्टली 100 पॉइंट, 300 पॉइंट यहां से यहां तक है, एग्जैक्टली 100 पॉइंट है, कोई नहीं पचा पाएगा एक ट्रेड पर 300 पॉइंट, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मैं 200 पॉइंट तक, 200-150 पॉइंट तक मैं भी पचा लेता हूँ, लेकिन 300 पॉइंट पचाने में भी टाइम लग जाता है यार, प्रैक्टिकल यही है, बट डोंट वरी। क्या हुआ, प्राइस ने गैप खुला, प्राइस जब गैप खुली तो क्या काम था, पहले से तैयारी करके बैठे हो तभी समझ में आएगा, रात में पहले से तैयारी कर लेके बैठते, अब आपके सपने आ रहे थे कि प्राइस 31-33% आएगी, प्राइस 133% आएगी। दूसरे दिन क्या हुआ, प्राइस ने गैप के साथ ओपन की, प्राइस गैप के साथ ओपन की, तो दे आर नो नीड टू गेट पैनिक, है ना। अगर आपके पास शॉर्ट है तो पैनिक मत हो, आप क्या करोगे कि आपके पास ये वाला, आप इसको 78.6% पर आप इसको मार्क कर दो, इसको मार्क कर दो, इसको मार्क किए रहना कि ताकि प्राइस का पता चले कि क्या हो रहा है। ये सब सिस्टम में अगर बता रहा हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और आप रिट्रेसमेंट पर डाल के, ठीक है, क्या हुआ जी, यहां तो कुछ कहानी अलग बन रही है, यहाँ तो यहाँ भी इसने भी 31.2% पर और यहाँ भी 31.2%, ये केवल प्रैक्टिकल बातें नहीं है ना, है ना, प्रैक्टिकल तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक्चुअली ट्रेंड तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, एग्जैक्टली 31 यहाँ से शुरुआत हुई है, शुरुआत ही क्या हुई, यहाँ से शुरुआत हुई, 31.2% शुरुआत हुई है। ये सब तो ड्रीम था, ये सब तो ड्रीम था, स्टार्ट तो यहाँ से हुई है कहानी, 31.2% से के ऊपर ट्रेड की, जैसे 31.2% जहाँ से यहाँ सेल हुई है, यहाँ से बाय कर लो, यहाँ बाय कर लो, 100 पॉइंट अभी भी हो, अगर यहाँ से बाय करते 725 पर 850 चल रहा है, 900 का हाई, 150 पॉइंट तो वैसे भी दे रही थी, है ना,
तो ट्रेंड इसी तरह से ट्रेंड करके आइडेंटिफाई करके ट्रेंड चलना है। 30 पर एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हुई है प्राइस जो है, यहाँ पर एक्चुअली स्टार्ट हुई है क्योंकि आप तो यहाँ तक अब तक ये होल्ड किए रहते हैं। अभी तक प्राइस को आप होल्ड करते तो यहाँ पर प्राइस ने आपको यहाँ पर आकर 31.2% प्राइस ने यहाँ पर आकर आपका स्टॉपलॉस ट्रिगर करा दिया। स्टॉपलॉस ट्रिगर कराने का मतलब नहीं, जो आपने स्टॉपलॉस ट्रेल किया है, जो आपने स्टॉपलॉस को ट्रेल किया उसको ट्रिगर कराया है इसने, जो आपने स्टॉपलॉस को ट्रेल किया है वो स्टॉपलॉस ट्रिगर कराया है। इसको इस वीडियो को 50 बार देखना कम से कम, और बार बार समझ में आएगा। बार बार पूछोगे तो बार बार आएगा। मैं बहुत दिनों से रिट्रेसमेंट पर सेशन ले रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम लोग एक्सपर्ट बन चुके हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या सर, पेशेंट टू डिटेल्स वुड लाइक टू, हाँ आप मैं क्या ज्वाइन करना चाहते हो जीत, क्या ज्वाइन करना चाहते हो? देखो ये मैं बैक टेस्टिंग नहीं कराया हूँ, मैं आपको भी अभी आपको करंट बता रहा हूँ आपको, प्लीज आप भी अभी आपको बता रहा हूँ कि 50% से ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछो, क्या पूछ रहे थे क्वेश्चन? अभी बहुत कुछ छोड़ रखा हूँ, इवनिंग में फिर इसको मैं कोशिश करूंगा इसी को मैं कवर करने का। ये सब बता इसलिए रहा हूँ कि देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये सब ट्रेंडिंग कैंडल है, ये सब आपको बाय तो करा देंगे, ये सब बाय करा देंगे, ये सब यहाँ से यहाँ तक सब ट्रेंडिंग कैंडल बने हैं। कोई भी कैंडल आपको सिग्नल नहीं देगा, कोई भी कैंडल आपको सिग्नल नहीं देगा। 23.6% लेकर अब तक एक भी कैंडल ने आपको बाय सिग्नल नहीं दिया है, एक भी कैंडल ने आपको बाय सिग्नल नहीं दिया है, ना सेल सिग्नल दिया है। तो यहां से यहां तक आपको सब ट्रेंडिंग कैंडल मिलेंगे, सब के सब आपको ट्रेंडिंग कैंडल मिलेंगे। पचाना सीखना है तो लाइट ट्रेड करके चलो, अपने आप पचेगा। अगर शॉर्ट नहीं कर सकते हो, देखो अगर फ्यूचर शॉर्ट करते हो ना, मैं रिकमेंड नहीं करता फ्यूचर शॉर्ट के लिए, मैं ट्रेडिंग के लिए तो मनाही कर रहा हूँ कि तुम फ्यूचर ना करो, फ्यूचर करना ही नहीं है। लेकिन आप पढ़ तो सकते हो ना, जो लोग फ्यूचर करते हैं, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग फ्यूचर करते हैं, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि आप मल्टीपल ट्रेड की मल्टीपल करोगे तो ही पॉसिबल है। आप एक लॉट में तो पसीने आ जाएंगे, एक लॉट में तो पसीने आ जाएंगे, ठीक ना। अब देखो बड़े लोग चिल्लाते हैं ना कि हमें समझ नहीं आ रहा कि अमर राजा बैटरी पे क्या करें, अमर राजा बैटरी, तो यहां से यहां तक रिट्रेसमेंट डालोगे। अब बताओ कि अमर राजा बैटरी कहां तक आएगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कहां तक आएगी और उसका स्टॉपलॉस क्या रहेगा, कहां। देखो दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पहले बताओ कि अमर राजा बैटरी कहां तक आएगी, अगर आएगी तो स्टॉपलॉस क्या होगा, मैं अगर मुझे बाय करना हो तो मैं कहां पर बाय करूंगा मैं, चलो बताओ बताओ। शैली अटेंडेंस शीट कितना आया, कितने लोगों ने अटेंडेंस अपना लगाया, मैं भी देखूं कि क्या पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये बताओ मेरे को, मैं ये क्वेश्चन पूछा, अमर राजा बैटरी कहां तक आएगा, क्या स्टॉप लॉस होगा और कहां पे मैं इसको बाय करूंगा मैं। पार्टिसिपेट करिए, क्लासेस चल रही है, फ्री की क्लासेस चल रही है, आंगनबाड़ी की क्लास है फ्री वाली क्लास, बस इस क्लास में आपको वो नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, बाकी आपको सिखाने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, खाना लेकर बैठा करो, ठीक है। 50% बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये सब ट्रेंडिंग कैंडल है, फॉर्म फिलअप कर दो यार, मतलब अभी भी मतलब रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, मेरी वैल्यू बस इतनी ही रहेगी, बार बार रिक्वेस्ट करूं, मेरी वैल्यू इतनी ही रह गई है। मैं क्या सोचूं, अब आपका फोन पिक करना बंद कर देता हूं, फिर मैं आपका फोन पिक करना बंद कर दूंगा, मैं मुंह पे बोल रहा हूं आपके, अगर आप लोग मेरा साथ नहीं दोगे, मतलब आपको लगता है कि क्या फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। आप फॉर्म फिलअप कीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्लास में लंबा ले लूंगा, आप डोंट वरी, लेकिन प्लीज फॉर्म सबमिट कीजिए। 2:02 हो रहा है, 2:03 सेशन स्टार्ट करूंगा, प्लीज जिन लोगों ने फॉर्म सबमिट नहीं किया मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज अपने अटेंडेंस जरूर लगाएं,
क्योंकि अभी बताने वाला हूँ अभी, प्लीज अपना अटेंडेंस शीट जरूर भरें। अटेंडेंस शीट भरना बहुत जरूरी है, बात मानो, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। लो बाबा, तुम कर दिया, खुश रहो, खुश रहो, भर दो यारो, अभी 130 लोग हो कम से कम, कुछ तो करो। दर्शक गूगल फॉर्म भरिए, दर्शक गूगल फॉर्म भरिए। शैली लिंक देना, शैली लिंक देना ग्रुप में, प्लीज लिंक देना, प्लीज भर दो। और आया करो तो स्मार्ट बन के आया करो यार, आया करो तो फॉर्म फिलअप कर दिया करो। आते ही फॉर्म फिलअप करके मैं भी डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार। मुझे बीएससी खुद भी रिक्वेस्ट करती है, बीएससी मेरे से खुद रिक्वेस्ट करती है, तो मैं क्या करूँ बताऊँ। मेरी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है रिक्वेस्ट करना। प्लीज सबमिट द अटेंडेंस शीट, प्लीज सबमिट योर अटेंडेंस शीट, प्लीज आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, प्लीज प्लीज प्लीज। सब शैली कितना आया, कितने लोगों ने अटेंडेंस शीट लगाया? शैली प्लीज फॉर्म सबमिट कर दिया करो यार। मत करो कोई, प्लीज अगर जिन लोगों ने फॉर्म नहीं सबमिट किया तो आपके चैट बॉक्स में लिंक आ गया है, प्लीज कर दो आप, प्लीज कर दो आप। मेरा भी टाइम वेस्ट हो जाता है, आप समझा करो, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आप लोगों, ये सब कुछ आप ही लोग के हाथ में, अपन के हाथ में कुछ भी नहीं है। आप अटेंडेंस शीट नहीं भरोगे तो मैं छोड़ भी सकता हूँ, नहीं भरोगे तो प्लीज आप फॉर्म सबमिट करो। चलो अब देखो इधर, अब यहाँ पर 50% की अभी करंट सिचुएशन है, 50% की अभी करंट सिचुएशन है, 50% की करंट सिचुएशन है, और जिसके बाद अपन लोग क्या करेंगे कि 61.8% प्राइम, अभी जितने भी कैंडल बन रहे हैं यहाँ पर कोई बाय नहीं करेगा, कोई बाय नहीं करेगा, सब ट्रेंडिंग कैंडल बन रहे हैं, सब ट्रेंडिंग कैंडल बन रहे हैं। ये बाय दिखाते जाएगा तो भी बाय नहीं करना है, ये जितना बाय दिखाना है दिखा लो, ये जितना बाई दिखाना है इसको दिखाने दो, ठीक है, बाई करना ही नहीं। कहां पर 50% पर आती है तो स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा, 23.6%, 61.8% आती है तो स्टॉप लॉस 38.2%। ये ट्रेंडिंग की बात कर रहा हूं, रिवर्सल की बात नहीं कर रहा हूं, ट्रेंडिंग की बात कर रहा हूं मैं, ये ट्रेंड कैसे चेंज होता है। सो लुक एट हियर, अब प्राइस की जैसे 50% दिख रहा है ना, तो 50% आए ना कि अभी आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करना सीखो। आपको ट्रेंड ये तभी चेंज करेगा जब 23.6 बन करेगा, और 61.8% जैसे ही ब्रेक करेगा, जैसे 61.8% ब्रेक करेगा स्टॉप लॉस 38.2%, तो इसी तरह से आपका ये ट्रेंड क्या होगा, कंटिन्यू होगा। तो जितने लोग चिल्ला रहे थे कि अमर अजय बैटरी करना है, अमर अजय बैटरी का कर लो, अभी देख लो क्या है अमर अजय बैटरी में, अब देख लो कि हमारा जब बैटरी में क्या दिख रहा है, ठीक है, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को। पैनिक में अपॉर्चुनिटी ढूंढो, ये पैनिक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसी का अपॉर्चुनिटी यहीं से खरीद लें, खरीदने का मौका भी तो आएगा ना, खरीदने का मौका आता है, पैनिक में अपॉर्चुनिटी ढूंढना है ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लें, ठीक ना, ऐसा नहीं करना है। चलो मैं स्टॉक्स अपने मन से ले रहा हूं, मैं स्टॉक्स आपके पूछता हूं तो आप लोग भी खूब नखरे करते हो हैं। चलो अब अगर हम इसकी बात करते हैं, एक्सिस बैंक की बात करते हैं, अब आप लोग करना है ना, अब आप लोग स्मार्ट हो चुके हो, अब आप लोग करना, सपोज करो कि अब हमें ये देखना है, अब हमें 75 टाइम फ्रेम पे ये देखना है, तो हम एक्शन क्या लेंगे बताओ, हमें एक्शन क्या लेना होगा यहाँ पे, हमें एक्शन क्या लेना होगा। मैं इंट्राडे की पर्पज से एक्सिस बैंक खोला हुआ, बताओ यहाँ पे क्या एक्शन लूंगा। नहीं नहीं नहीं, मेरा लॉस होता है, देखो मेरा लॉस होता है, ऐसा नहीं है कि मेरा लॉस नहीं होता, मैं भी इंसान हूं और मेरे से लॉस होता है,
मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं कि सबको समझ में आए चाहे ना आए, कुछ लोगों को तो समझ में आएगा, मेरा खुद का भी लॉस होता है, ऐसा नहीं है, लॉस प्रॉफिट तो होता रहता है, ये मार्केट है, जो लॉस हो रहा उसको बचाना है, ये सीख रहे हो आप। लॉस तो होगा, लॉस तो होगा ही होगा, लॉस से बच नहीं पाओगे आप। बिजनेस हो, अब बिजनेस हो, बिजनेस कर रहे हो, अब बिजनेस में नुकसान हो, ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये हो नहीं सकता। आप लॉस को कैसे बचाओगे, मैं भी ट्रैप होता हूं, आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, जो आपका लॉस हो रहा वो कम हो जाएगा। रुकेगा तो नहीं, मौत रुक नहीं सकती, स्टॉप लॉस रुक नहीं सकता, कम जरूर हो सकता है, स्टॉप लॉस कम हो सकता है, ठीक है। ये आप वही पढ़ रहे हो, क्या करोगे एक्सिस बैंक में, रोहित शर्मा प्लीज स्टॉप, रोहित शर्मा प्लीज स्टॉप, अब देखो 61.8% से लौट रही है तो सपोर्ट पे खड़ी है, सपोर्ट पे खड़ी है, सपोर्ट पे खड़ी है ना, तो सपोर्ट जैसे ही ब्रेक करेगा ट्रेंड क्या हो जाएगा, चेंज होगा। आप इसका स्टॉप लॉस रखोगे और जैसे इसको 754 के नीचे जब ब्रेक करता है तो आप इसको एक्शन ले लो, आप इसके नीचे एक्शन ले लो, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और आप आगे की तरफ चलो, ट्रेंड को पलट देना। अभी सपोर्ट पे खड़ी है ना, यहीं से बाउंस बैक भी कर सकती है, यहीं से ये बाउंस बैक भी कर सकती है, और यहाँ पर इवनिंग स्टार बना रखी है, यहाँ पर इवनिंग स्टार बनाए तो पॉसिबिलिटी है कि लग रहा है कि यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड बनाएगी, तो आप इसको क्या करना है, इसके साथ ट्रेल करना, इसके साथ ही आप चल पड़ना, जैसे वो 38.2% ब्रेक करती है आप इनिशिएट कर देना, ठीक है। और ये आपका स्टॉप लॉस मल्टीप्लाई 0.618 और उसका आप प्राइस को कंटिन्यू कर देना, राइट, प्राइस को ये कंटिन्यू कर देना। एंड प्लीज सबमिट द अटेंडेंस शीट, प्लीज गाइज प्लीज सबमिट द अटेंडेंस शीट, आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक है गाइज। तो अब मैं मिलूंगा आपको इवनिंग में, इवनिंग में मिलूंगा और इसी चीज को कंटिन्यू करूंगा ब्रेकआउट के साथ, ठीक है, इसी चीज को कंटिन्यू करूंगा ब्रेकआउट के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। एंड प्लीज सबमिट द फॉर्म, प्लीज आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, 55 लोग ही नहीं आप अटेंडेंस शीट लगाए, लुक लुक 58 लोगों ने अटेंडेंस शीट लगाया, जबकि मैं पढ़ा रहा हूँ 150 लोगों को, 100 लोगों ने फॉर्म को सबमिट नहीं किया है, 100 लोगों ने फॉर्म को सबमिट नहीं किया है। मैं आज इवनिंग में बात करूंगा कैसे ट्रैप हो गए, कैसे ट्रैप को रोकोगे, ठीक है। प्लीज फॉर्म को सबमिट जरूर कर देना और मैं देखूंगा, यहाँ पर पूछूंगा कि कितने लोगों ने सबमिट किया है, 58 लोगों ने सबमिट किया हुआ है एंड मैं चाहता हूँ कि कम से कम 100 तो करें, है ना। चलो गाइस तो मिलते हैं शाम को, इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे ट्रैप से रिलेटेड, ठीक है।